Hey gamers, what's going on? I am AQ, the Games Paradise, and I am back with another video. तो आज हम प्ले करने वाले हैं स्कैरी रॉबरी होम क्लैश। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग गेम प्ले को। तो कहानी कुछ यूं है कि मेरे मॉम डैड बाहर गए घूमने फिरने, तो चोरों ने ये चीज देख ली और फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया मेरे घर के अंदर चोरी करने का। तो मैं तो आराम से गेमिंग कर रहा था, बट मुझे आहट आई दो चोरों की। तो मैंने जाके देखा तो मुझे पता चला कि दो चोर आ चुके हैं, मेरे घर में घुस चुके हैं। तो अब मैंने कुछ प्लानिंग्स बनाई हैं जिसकी वजह से मैं इन्हें तंग करूंगा और इन्हें कोई भी चीज़ चोरी नहीं करने दूंगा। तो बेसिकली अभी इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया है मेरे बहुत बड़े टीवी में अपनी मूवी देखने का, फनी मूवी देखने का, बट मैं इनका ये प्रोग्राम पूरा नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ और फनी मूवी को हॉरर मूवी में चेंज कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो ये मुझे सिखा रहा है, तो मुझे उस तरफ जाना होगा। तो ये दरवाज़ा खोल लेता हूँ और ये रही मेरी दो सीढ़ियाँ जिसमें एक हॉरर है और एक फ़नी है, तो मैं दोनों को बदल देता हूँ। ओके, तो अब मैंने बदल दिया। अब मैं बाहर जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हुआ, बदलने के बाद क्या इनका रिएक्शन होता है। ओके, तो मैं बाहर आ चुका हूँ। बेसिकली ये दोनों आराम से देख रहे हैं मूवी और मैं भी चुपके से देख रहा हूँ इनका रिएक्शन। तो अब 2 सेकंड में हॉरर सीन आएगा और दोनों डर जाएंगे। यस, जैसा मैंने सोचा था। ओ भाई साहब, चेला बॉस को उठा के फेंक दिया। वाह, मजा ही आ गया ये सीन देख के। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ और देखते हैं। ओके, तो ये मेरी डैड की इलेक्ट्रिक कार है जो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है। बेसिकली अभी ये चार्ज हो रही है, तो इन लोगों ने चार्जिंग पे लगाई है और फिर ये इसे उठा के ले जाएंगे। तो मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे यार, मेरा डोर लॉक कर दिया इन लोगों ने मुझे निकाल के। तो बेसिकली मैं डोर को खोल देता हूँ। ये मैंने खोला डोर, अब मैं जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ से जाऊँ। तो मैं सोच रहा था कि मैं डायरेक्ट गैराज के अंदर जाऊँ, ना कि इस हाउस के अंदर एंट्री लूँ डोर से। बिकॉज अगर मैंने डोर से एंट्री ली तो चोरों को पता चल जाएगा और वो अलर्ट हो जाएंगे और वो मेरे पीछे भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार लूँगा। स्टार लेने के बाद आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या है। ओके, तो एनर्जी ड्रिंक अभी मुझे यूज़ करनी नहीं है। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कुछ चेंजेस करूँ जिसकी वजह से गाड़ी का थोड़ा अंजा पिंजा ढीला हो जाए और वो चुरा ना पाए मेरे अब्बू की गाड़ी को। तो मैं सबसे पहले प्लग निकाल लेता हूँ और अब मैं वायरिंग में चेंजेस कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैंने चेंजेस तो कर दिए। अब मैं बाहर निकल के देखता हूँ, शायद घर में कहाँ घूम रहे हैं ये भी देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से उतरता हूँ सीढ़ियों से और गेट से बाहर निकल के देखता हूँ, वेट करता हूँ कि कब वो गैराज के अंदर जाएंगे। और यार, आप लोग देख सकते हो ये दोनों चोर मोटू पतलू मेरे घर के अंदर किस तरह आराम से सीटों की तरह घूम रहे हैं। यार, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। अगर मैं थोड़ा ताकतवर होता ना, इन दोनों को पकड़ता और ऐसा पीटता ना, ऐसा पीटता, सोच नहीं सकते। मोटू के दांत तोड़ता और पतलू को तो हॉकी बना के ओहो मोटू को पीटता। तो बेसिकली वो गैराज के अंदर घुस चुके हैं, तो अब देखते हैं। तो भाइयों, मोटू साहब बोल रहे हैं पतलू साहब को कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन करो ताकि इलेक्ट्रिसिटी से हमारी गाड़ी चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। तो पतलू साहब ने कर दी और ये मोटू साहब दीवार में चुंदवा गए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही, हमने अपनी गाड़ी के साथ किस तरह छेड़छाड़ की थी, वायरिंग चेंज कर दी थी, तो बम तो फटना ही था। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ। तो हमारे जो पतलू भैया हैं वो केक लेके आए हैं, अपने मोटू भैया को दे रहे हैं, मगर मोटू भैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है क्योंकि उन्हें कीमती चीज़ें चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चांदी चाहिए, इन्हें ऐसे केक खाने की चीज़ नहीं चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है क्योंकि वो केक था मेरी बर्थडे पार्टी का और मुझे अब इससे बदला लेना है। यार, कुछ भी करके इसका है ना सारा प्लान चौपट करना है। अभी ये मेरी मॉम के ज्वेलरी चुराने जा रहा है ना, अभी दिखाता हूँ इसको। सबसे पहले तो मैंने जो गाड़ी थी ना उसे सर्विस के लिए भेज दिया है अपने मैकेनिक भैया के साथ और मैंने पिंजरा भी उठा लिया है। अब जाके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं किचन जाऊंगा और किचन में से मैं चीज़ लेता हूँ। यहाँ पे तो एक प्लग का निशान था ना यार, लास्ट मिशन में हमने यहाँ से प्लग निकाला था, बट अब प्लग नहीं है, तो शायद से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो अब मैं जल्दी से किचन की तरफ बढ़ता हूँ। यार, वो पतलू ना मेरे पीछे पड़ गया है, तो मैं जल्दी से भागता हूँ। ओके, तो पतलू रास्ता भूल चुका है क्योंकि ये हमारा घर है, हमें रास्ते पता है, उसे नहीं। तो अब हम अपने किचन में पहुँच चुके हैं, तो वहाँ से मुझे सबसे पहले तो चीज़ उठानी है। तो मैं इस पिंजरे को यहीं रख देता हूँ और अपनी चीज़ उठाता हूँ क्योंकि चूहे चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने चीज़ उठा ली, अब मैं पिंजरे के अंदर डालूंगा। यार, खिड़की क्यों खोल दी? ओके, तो पिंजरे में डाल दी। अब मैं जाता हूँ, इसे उठाता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि स्टोर रूम में बहुत सारे चूहे हैं, तो वहाँ से कुछ चूहे इस पिंजरे में कैद कर लूँगा। दरवाज़ा खोलता हूँ। ओ भाई साहब, ये पतलू कहाँ से आ गया? अगर मैं इसके हत्थे चढ़ गया तो मेरी तो हालत ख़राब हो जानी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अपने मोटू बॉस को पटवाएगा मुझसे। अरे यार, मैं कहाँ जा रहा हूँ? यार, बाहर निकल गया और स्टोर रूम का मैं दरवाज़ा खोल लेता हूँ सबसे पहले। तो अब मैं उतरता हूँ बड़े प्यार से और यहाँ पे मुझे चूहे देखने। ओके, तो देख सकते हो कितने सारे चूहे हैं। तो मैं अपने इस पिंजरे को यहाँ फेंक देता हूँ क्योंकि अगर फेंकूंगा तो चूहे इसके अंदर कैद हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा चूहा अपने पिंजरे में कैद हो चुका है
तो मैं जल्दी से पिंजरा उठाऊंगा और यहाँ से स्केप करूंगा और अपने मॉम के ज्वेलरी बॉक्स के अंदर डाल दूंगा ताकि वो ज्वेलरी नहीं चुरा पाए। उन्हें लगे कि ज्वेलरी बॉक्स में कुछ है ही नहीं, चूहे देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा। तो जल्दी से मैं इस दरवाजे को खोल देता हूँ और अब मैं बाहर निकलता हूँ। यार निकल जा। अरे यार दरवाजा भी सही सही नहीं खुला यार, बड़ी बड़ी सीन हो जाते हैं मेरे साथ। ओ भाई साहब मैंने चूहे का पिंजरा फेंक दिया, जल्दी से उठा लेता हूँ इसे। यार उनके आने से पहले जल्दी उठा ले। ओके तो अब मैं दरवाजे बंद कर देता हूँ ताकि उन्हें शक ना हो कि मैं यहाँ से निकला हूँ। ये मैंने दरवाजे दोनों बंद कर दिए। अब मैं सीढ़ियों से ऊपर जाऊँगा। यार ये सीढ़ी बहुत स्लो चलता है यार ये बंदा। ओके तो सीढ़ियों पे अब मुझे ऊपर चढ़ना है, तो मुझे बस इतना ही डर है कि ये सीढ़ी ना गिर जाए वरना बहुत सारी गलत सीन हो जाएगा। तो मैं दरवाज़ा खोल के अंदर घुस चुका हूँ। अब मैं कौन से दरवाजे के अंदर जाऊँ यार, मैं हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। ओके तो इस दरवाजे में, इस रूम में मॉम रखती हैं अपनी ज्वेलरी बॉक्स, तो जल्दी से मैं इस दरवाजे को बंद कर देता हूँ वरना उन्हें शक हो जाएगा। ओके तो ज्वेलरी बॉक्स के अंदर मैं अपने चूहे के पिंजरे को डाल देता हूँ और चीज़ को भी डाल देता हूँ वरना चूहा अकेला शोर करेगा इसके अंदर और उन्हें पता चल जाएगा कि ज्वेलरी बॉक्स के अंदर चूहा है। तो मैंने ज्वेलरी बॉक्स के अंदर चीज़ भी डाल दिए, अब उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाला कि चूहा है ज्वेलरी बॉक्स के अंदर। ओके तो पतलू आ रहा है इसी तरफ आ रहा है, तो अब मैं जल्दी से कूदता हूँ यहाँ से क्योंकि बिल्कुल भी यहाँ पे शक नहीं होना चाहिए उसे कि मैं यहाँ पे आया था। एक मिनट, मैंने दरवाज़ा शायद खुला रख दिया है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और दरवाज़ा बंद करता हूँ क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए इस सीक्रेट सीढ़ी के बारे में वरना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही गलत सीन हो जाएगा। ओके तो पतलू शायद से कमरे के अंदर घुस चुका है और अब ज्वेलरी बॉक्स उठाने वाला है। ओके तो हमारा पतलू अब ज्वेलरी बॉक्स उठाएगा। ओके तो मोटू को दे रहा है हमारा पतलू ज्वेलरी बॉक्स। मोटू बहुत ज़्यादा खुश हुआ है, तालियां बजा रहा है। ओ भाई साहब चूहा निकल गया मोटू के सर पे। ओहो ओ भाई साहब मोटू के सर पे मारा पतलू ने ज्वेलरी बॉक्स, मजा ही आ गया मेरे तो। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिशन में क्या है ये भी देख लेते हैं। तो बेसिकली इस मिशन में मोटू बहुत ज़्यादा चाव से खा रहा है चिकन लेग पीस और हमारे पतलू को कुछ भी दे नहीं रहा है, इसी वजह से हमारा पतलू पतला रह गया और मोटू मोटा हो गया। तो बोल रहा है मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ लाओ जो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, फिर मैं तुम्हें लेग पीस दूंगा। ओके तो अब मुझे दाखिल होना होगा और ऐसी चीज़ जो ये ढूंढने जा रहा है खाने की उसे मैं बर्बाद करूँगा। हाँ ओके तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये मेरे बिस्किट ही उठाएगा, तो मैं बिस्किट में थोड़ी मिलावट कर देता हूँ ताकि ऐसे मोटू को बिल्कुल भी बिस्किट अच्छे ना लगे। तो यारो मॉम मेरे बिस्किट किचन में रखती हैं। ओ भाई साहब इन दोनों ने तो मुझे पकड़ लिया, मुझे अब रीट्राई करनी पड़ेगी। अब मैं वापस से अंदर जाता हूँ और बिस्किट मेरे मॉम रखती है किचन में, तो मैं जल्दी से किचन में जाऊँगा और उन बिस्किट के अंदर मिलावट कर दूंगा। भैंस की टांग, इन लोगों ने मेरे दरवाजे पे ताला लगा दिया यार, मुझे ही मेरे घर से बाहर निकाल के मेरे दरवाजे पे ही ताला लगा दिया। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं जल्दी से इंस्ट्रूमेंट को उठाता हूँ। अरे यार उठा ले भाई, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ता हूँ, उठा ले। ओके तो मैंने जल्दी से उठा लिया है, अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट से दरवाजे का ताला तोड़ने वाला हूँ। अरे यार ताला तोड़ देने। ओके तो मैंने ताला तोड़ दिया है, अब मैं घर के अंदर वापस से दाखिल हो चुका हूँ। अब मैं ऊपर जाता हूँ, बेसिकली ऊपर की तरफ। ओ भाई साहब मोटू ने मुझे पकड़ लिया यार, बहुत ज़्यादा ही गलत सीन हो रहा है मेरे साथ बार बार। अब ये दोनों वापस से मुझे फेंक देंगे घर से बाहर यार। अब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट मैंने एक ही छुपा के रखा था, वो भी गार्डन में। तो वापस से मैं स्किप कर देता हूँ और वापस से, अरे यार दरवाज़ा किसने बंद कर दिया यार। ओके तो मैं अब जल्दी से जाता हूँ घर के अंदर, दाखिल होना होगा मुझे वापस से। तो देख लेता हूँ यहाँ पे दरवाजे पे ताला तो नहीं, अरे यार इन लोगों ने ताला लगा दिया है। तो इंस्ट्रूमेंट यहीं पे ही होगा, तो वापस से मैं इंस्ट्रूमेंट उठा लेता हूँ क्योंकि मैंने यहीं पे फेंका था। अब मैं जल्दी से ताला तोड़ता हूँ क्योंकि मुझे मेरे घर से कोई दूर नहीं रख सकता। अरे यार जल्दी खुल जा। ओके तो मैंने ताला खोल दिया है, अब मैं जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ। तो यार मोटू हमारे पीछे बढ़ चुका है, अब मुझे जल्दी से भागना होगा क्योंकि मैं इसके हाथे नहीं चढ़ सकता, अगर हाथे चढ़ गया तो बहुत ज़्यादा कुटाई होने वाली है मेरी। ओके तो मैं अब जा रहा हूँ मॉम के रूम के अंदर। मॉम के रूम के अंदर टूथपेस्ट है जिसको मैं यूज़ करके खाने बिस्किट्स में मिलावट करूँगा, क्रीम की जगह क्रीम को हटा के टूथपेस्ट डालूंगा। अरे यार दरवाज़ा जल्दी खुल, अरे यार दरवाज़ा खुल गया। ओके तो मैं अब जल्दी से वॉशरूम में जाता हूँ और वहाँ पे टूथपेस्ट उठा लेता हूँ, जल्दी से उठा ले टूथपेस्ट वरना वो दोनों। ओके तो दोनों बाहर ही खड़े हैं रूम के, मगर इन्हें मैं दिख नहीं रहा तो इस वजह से कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं जल्दी से टूथपेस्ट उठा लिया है, अब मैं जल्दी से देखता हूँ ये लोग कहाँ हैं। ओके तो दरवाज़ा बंद करके बाहर की तरफ भाग रहे हैं वो लोग, जा रहे हैं आराम से। हाँ जाओ तो। ओ भाई साहब पतलू मेरे पीछे पड़ गया है, बट मैं जल्दी से नीचे उतरता हूँ और जल्दी से किचन की तरफ जाता हूँ यहाँ से। ओके तो ये रहा किचन, तो जल्दी से दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाता हूँ। डाइनिंग टेबल नहीं जाना मुझे, डायरेक्ट किचन के अंदर जाऊँगा और ये मैंने नमक भी उठा लेना है। ओके तो मैंने नमक भी उठा लिया, उसके शरबत में मिलावट करूँगा। अब मैं शरबत है ना उसका नमकीन कर दूँगा। ओके तो सबसे पहले तो मैं नमक डाल देता हूँ उसके शरबत के अंदर, ताकि चीनी वाला शरबत तो उसने पिया होगा, आज तक नमकीन शरबत बिल्कुल भी नहीं पिया होगा। ओके तो मैं जल्दी से बिस्किट, तो अब मैं जल्दी से बिस्किट्स को प्लेट में सर्व कर देता हूँ ताकि उसे लगे कि पतलू ने सर्व किए हैं। और मैं अब जल्दी से टूथपेस्ट भी डाल देता हूँ।
ताकि टेस्ट बिल्कुल ही बुरा हो जाए। क्रीम की जगह मैंने टूथपेस्ट लगाई है। जल्दी से मैं बिस्किट्स को बंद भी कर देता हूँ ताकि उन्हें बिल्कुल भी शक ना हो। ओके, तो अब मुझे जल्दी से बाहर जाना होगा क्योंकि अगर मैं बाहर नहीं गया तो वो लोग आएंगे कैसे। ओके, तो आप पतलू का सर देख सकते हो, बिल्कुल स्टेयर्स के अंदर घुस गया था। बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया पतलू के साथ। तो ओके, तो शायद से वो अंदर आ चुका है किचन के अंदर। मोटू, बहुत ज़्यादा मज़े वाला सीन होने वाला है अभी। तो पतलू की तो कुटाई होके रहेगी। ओके, तो मोटू पहुँच चुका है। मोटू अब खाना शुरू कर देगा। ओके, तो पतलू ने सर्व करना स्टार्ट कर दिया है और मोटू ने बिस्किट खाना स्टार्ट कर दिया है। अब मोटू पहला बिस्किट खाएगा। ओ भाई साहब, थूक दिया। मोटू को बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा। ओ भाई साहब, मोटू ने शरबत को तो पतलू के कपड़ों पे ही फेंक दिया। वाह, मज़े ही आ गए। तो अब ये मिशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया मुझे। तो अब जल्दी से जनरल कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दो प्रेस ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और याद से कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ एक नए और एक अच्छे वीडियो में। तो चैनल, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।